हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे वीडियोस को अगर आप देख रहे हो ना, तो बिना लाइक किए गए ना तो देख लेना तुम लोग, ठीक है। इतना मेहनत कर रही हूँ मैं, और आप लाइक नहीं करोगे तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यार। प्लीज़ लाइक कर दो। चलो, आज मेरा आज टॉपिक है पढ़ाने का कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। बहुत ही ईजी है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देखो, लर्निंग और ऑर्गेनाइजेशन को दो चीज़ को समझ लो। लर्निंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ सीखना जो एकदम न्यू हो, है कि नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक ये प्लेस है, एक ऑफिस है, जहाँ पे कंपनी में इम्प्लॉयज़ अगर हुए तो वो लोग काम करते हैं। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन वेयर इम्प्लॉयज़ कॉन्टिन्यूसली गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव देयर क्रिएटिविटी एंड स्किल टू अडॉप्ट विद चेंज, है कि नहीं। उसके बाद इसमें जो भी अटरम बटरम जो भी दिया हुआ है आप पढ़ लेना, ठीक है। बट मैं बस आपको समझा रही हूँ कि आपको एकदम क्लियरली वर्ड्स में समझ में आए। रीड तो आप भी कर सकते हो, तो मैं रीड क्यों करूँ, है कि नहीं। तो देखो, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जहाँ पे वो क्या होता है, एक नया नया चीज़ वो सीखता है जो उसने कभी सीखा ही नहीं है। उसके लिए वो न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि पहले के टाइम के जो लोग अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब तो क्या हो गया है, कंप्यूटर आ गया है, वो हर चीज़ कंप्यूटर से ही होता है। जो भी अगर हम लोग को लाइक ऑडिटर बोलते हैं, तो पहले के ऑडिटर क्या करते थे, सारे कॉपी में ही लिखते थे, है कि नहीं। बट अभी के ऑडिटर क्या है, सब कंप्यूटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत दिन से काम कर रहा है, तो वहाँ पर चेंज करने को नहीं मिलता है। क्या खुद को ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो चेंज करे तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो पुराने ओल्ड ऑडिटर हैं तो उसको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि आप कैसे यूज़ करो, ठीक है, कैसे, मतलब उसको वो सिखाता है वहाँ पे इस चीज़ पे। पहले उसको ट्रेनिंग देगा, सिखाएगा, उसके बाद तो क्या हो गया, वो ओल्ड ऑडिटर क्या हो गया, वो चेंज को एडॉप्ट कर लेता है तुरंत। उसको भी ईजी हो जाएगा और आपको भी ईजी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा दिन तो लगेगा सीखने के लिए, बट क्या हो जाएगा कि वो वहाँ पे अगर वो चीज़ सीख लेगा तो उसके बाद वो जो वॉकर है वो आपके लिए हमेशा लोयल रहेगा, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रति। क्योंकि जो ओल्ड इम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा लोयल होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। सो यहाँ पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वहाँ पे आप सीख रहे हो, न्यू चीज़ सीख रहे हो, न्यू क्रिएटिविटी सीख रहे हो, स्किल सीख रहे हो, और चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हो। बिकॉज वी नो दैट वी आर लिविंग इन 21st century एंड वी हैव टू अडॉप्ट द चेंज। हम लोग एक ही तरह नहीं रह सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया ओल्ड एम्प्लॉयज़ के बारे में, वो सेम वही चीज़ है। हम लोग को चेंज जो मेरे लाइफ में आ रहा है उसको अडॉप्ट करना सीखना चाहिए। हम लोग को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये नहीं, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकती हूँ, चेंज हो रहा है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती हूँ, मैं ये नहीं करूँगी। नो, आपको वो चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो चीज़ सीखना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिए, वो सेम चीज़ है। अभी आप देखो कि छोटा बच्चा जो UKG LKG 1-2 में भी पढ़ रहा है, वो अभी मतलब स्टार्टिंग से ही टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीख चुका है। तो वो क्या कर रहा है, और वो बच्चा है, वो भी बोलेगा कि हाँ वो बच्चा है, छोड़ो कुछ नहीं होगा उससे, वो तो बच्चा है ना, क्यों टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। बट वहाँ पे क्या, स्कूल में क्या करते हैं, नहीं, उसको वो सिखाते हैं कि तुम सीखो क्योंकि आगे वो काम लगेगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ इसमें है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इम्प्लॉयज़ न्यू चीज़, क्रिएटिविटी, स्किल्स को सीखते हैं और चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू रेस्पॉन्स सच चेंज क्विकली फॉर इट सक्सेसफुल ऑपरेशन इन द मार्केट। जो भी लिखा है मैंने अपने ईजी लैंग्वेज में, आपको जैसे समझ में आ जाए उस तरह मैं बता दी हूँ, तो ये रटना लाइन ज़रूरी ही नहीं है। तो अगर आप बेनिफिट देखना चाहते हो तो बेनिफिट बहुत बहुत सारा है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि शेयर्ड विज़न, विज़न का कहने का मतलब क्या होता है, एक बिग पिक्चर होता है दैट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, है कि नहीं। तो यहाँ विज़न शेयर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, तो आप उसी टाइप्स का काम करो, उसी टाइप्स का आपको सिखाएगा, तो वो शेयर्ड विज़न हो गया। इम्पावर इम्प्लॉयज़, इम्पावर करेगा आपको, बहुत सारा ट्रेनिंग देगा, जो चीज़ आपको नहीं आता है वो जब सिखाएगा वो सब हो गया।
उसके बाद प्रमोट टीम वर्क, टीम वर्क कैसे किया जाता है, एक दूसरे से काम कैसे किया जाता है, कोलैबोरेशन कैसे किया जाता है, वो चीज़ आपको सिखाएगा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एक बेनिफिट है जहाँ पे आप सीख रहे हो कि हाँ हमको टीम में कैसे काम किया जाता है, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है एक दूसरे से। उसके बाद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है कि चेंज होना, जरूरी नहीं है कि आप सेम चीज़ कि जो आज हो रहा है वो कल हो, नहीं। तो वहाँ पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, आपको सिखाएगा कि जो आप चीज़ सीखे हो आज, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ कल एप्लीकेबल हो, मे बी हो सकता है कल दूसरा चीज़ सीखना हो, तो वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर होते रहता है, इम्प्रूव इनोवेशन, न्यू आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, क्रिएटिविटी रिलेटेड लेवल बढ़ता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हम लोग कर सकते हैं, जो जैसे प्रॉब्लम लोगों को नहीं आता है तो वहाँ पर क्या एक दूसरे से अगर कोलैबोरेशन हो। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ही कहने का मतलब क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको जो सीखना है न्यू चीज़ें, तो वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, आज ये प्रॉब्लम है, कल दूसरा प्रॉब्लम आएगा, कल तीसरा प्रॉब्लम आएगा, तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आप सीखते हो, ये आपका एक बेनिफिट है। उसके बाद ग्रेटर इफिशेंसी, हाँ ये बेनिफिट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या है, ग्रेटर इफिशेंसी क्रिएट होगा, ठीक है, जहाँ पे इम्प्लॉइज अपना टाइम इफोर्ट देंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है कि नहीं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, कमेंट भी कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा।